मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच विमेन प्रीमियर लीग का मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को मुंबई के हाथों 9 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। मुंबई की ये सीजन की दूसरी जीत रही तो बेंगलोर के लिए ये सीजन की दूसरी हार रही। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस के लिए जहां खुशी की खबर, तो बेंगलोर के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात सामने नजर आई। बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान स्मृति मंधाना ने जीत के बाद अपनी टीम को दोषी ठहराया। उन्होंने जीत के बाद उन तमाम बातों पर चर्चा की जिसके तहत मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। स्मृति मंधाना ने कहा कि जिस तरीके से हमारी टीम ने बल्लेबाजी की वो काफ़ी ख़राब रही, बैटिंग वाली पिच पर हम और ज़्यादा बल्लेबाजी कर सकते थे। उन्होंने कहा कि ज़्यादा रन हमें बनाने चाहिए थे, हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और जब हमारे बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतर रहे हैं तब 30 तक के स्कोर तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, उनमें मैं खुद भी शामिल हूं। मुझे लगता है कि बल्लेबाजों को टिक कर बल्लेबाजी करनी होगी, एक लंबी पारी खेलनी होगी और तभी हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। स्मृति मंधाना ने आगे कहा कि हमारे बल्लेबाज अगर टिक रहे हैं और कोई भी एक बल्लेबाज ज़्यादा रन बना रहा है तो उसे 18वें ओवर तक कम से कम बल्लेबाजी करनी होगी, तभी टीम बैटिंग वाली पिच पर भी एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएगी। इस मैच में यानी कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ हमारा ये स्कोर नहीं रहा, इसी वजह से हम इस मुकाबले को हार गए। गेंदबाजी पर चर्चा करते हुए कप्तान ने कहा कि हमारे पास गेंदबाजी के विकल्प काफ़ी ज़्यादा हैं, 6 विकल्प हमारे पास हैं जो कि पर्याप्त हैं। मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा जोर हमारी बल्लेबाजी और फील्डिंग पर देना होगा। कप्तान ने आगे कहा कि हमारे फील्डर से काफ़ी गलतियां हुई हैं जिसने मुंबई को ड्राइविंग सीट पर आने का मौका दिया। मुझे लगता है कि हमें फील्डिंग और बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा और मैं टीम से उम्मीद करती हूं कि जल्द ही टीम इन सभी बातों पर ध्यान देकर एक बेहतर कमबैक करेगी और टीम अगले मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करेगी। अब मुकाबले की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन स्कोरबोर्ड पर लगाए। इस दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ऑल आउट हो गई। 18.4 ओवर में ही पूरी टीम ऑल आउट होकर पवेलियन लौटी। ऐसे में मुंबई के सामने 156 का लक्ष्य था। मुंबई की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 14.2 ओवर में ही इस टारगेट को चेज किया और टीम ने इस दौरान केवल अपना 1 विकेट खोया। बहरहाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान टीम पर भड़की हैं और उन्होंने बल्लेबाजों और फील्डर्स को लेकर चिंता व्यक्त की है। आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्पोर्ट्स की तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। नमस्कार।